नमस्ते बच्चों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों स्वागत है आपका कविता के साथ। तो चलिए हम लोग देखें कि हम लोग कौन सी कविता पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों ये तीसरी कक्षा की कविता है, ओ मेरी मछली। तो चलिए हम लोग देखते हैं मछली रानी के बारे में जानते हैं। देखिए कविता का नाम ओ मेरी मछली। अरे वाह, तो बड़ा सुंदर सा चित्र है जी। इतना सुंदर पानी, इतना साफ पानी ना, और उसमें एक मछली रानी। वाह बच्चों, हम लोगों को इसी तरह से अपने गांव का भी तालाब और जो भी पानी का स्रोत है ना, उसको साफ रखना चाहिए। और पानी के स्रोत के पीछे कितना सुंदर जंगल ना, इतना सुंदर हरे भरे पेड़ हैं पीछे, और ऊपर देखिए तो कितने पक्षी हैं। गिनिए गिनिए, एक दो तीन, तीन पक्षी भी हैं। कितना सुंदर दृश्य है ना, मुझे तो मन कर गया वहां जाने का। अच्छा, यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है, क्या है वो, क्या कर रहा है वो? मछली को देख रहा है, पानी को देख रहा है। चलिए चलिए हम लोग आगे बढ़े, आगे कुछ तो और अच्छा होने वाला है। वो बच्चों, यहाँ तो एक कविता है। अभी अभी मैंने कहा था ना आपको कविता सुनाऊंगा, तो आ गई वो कविता। नाम है इसका ओ मेरी मछली। तो चलिए पहले इस कविता को मैं आपको राइमिंग के साथ सुनाता हूँ, लय के साथ सुनाता हूँ बच्चों, और आपको भी इसी तरह से लय के साथ गाना है और कविता सुनाना है अपने टीचर को, है ना, और अपने घर में भैया दीदी को भी सुनाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कविता और सुनते हैं कविता। बच्चों जिसको पढ़ना आता है उसके लिए भी, और जिसको थोड़ा कम पढ़ना आता है ना, वो भी सुन सुन के सीख लेंगे। और चलो 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 अपनी अपनी कॉपी खोलो, कॉपी खोलो, और कॉपी में इसको लिखना भी है। कॉपी में हम लोग लिखेंगे भी, और बच्चों सुंदर सुंदर लिखिएगा, है ना, अच्छा से साफ साफ लिखिएगा। जैसे देखिए मैंने लिखा है ना, साफ साफ लिखा है कि नहीं लिखा है? आप लोगों के लिए बच्चों मैंने साफ साफ लिखा है ना। तो चलिए हम लोग अच्छा से इसको याद करते हैं। चलिए, ओ मेरी मछली। गिरा रुपया गहरे पानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। गिरा रुपया गरे पानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। कितनी अच्छी जल की रानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। कितना अच्छा ना बच्चों। चलिए, गिरा रुपया, देखिए इतनी सारी मछलियां बनी हुई है यहाँ पे, है ना, बहुत तरह तरह की मछलियां हैं। आपके गांव में मछली है बच्चों? हाँ, आपके गांव में भी बहुत तरह की मछलियां होंगी, है ना। तो मछलियों पे तो बहुत सारी कविता है, लेकिन ये कविता बहुत सुंदर है बच्चों। गिरा रुपया गहरे पानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। कितनी अच्छी जल की रानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। बड़ा समंदर इसके अंदर, मैं कैसे जा पाऊंगा। सच में पानी जब बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग कैसे जा सकते हैं, हम लोग तो नहीं जा सकते हैं, है ना।
इसमें क्या हुआ बच्चों? इसमें हुआ ऐसा कि पैसा गिर गया एक बच्चे का पानी में, तो वो कह रहा है मछली से, गिरा रुपया गरे पानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा, कितनी अच्छी जल की रानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा। देखिए पैसा जब गिर गया तो बच्चा कह रहा है क्या मछली से, ओ मछली रानी मेरा पैसा गिर गया पानी में, तुम इसको निकाल दो ना। और उसको अच्छा अच्छा कर, तुम कितनी अच्छी हो। आगे, बड़ा समंदर इसके अंदर मैं कैसे जा पाऊंगा, अगर ढूंढ कर ला दोगी तो मैं मेले में जाऊंगा। आपके समान वो बच्चा जो है ना, उसका पैसा जब गिर गया तो कह रहा कि इतना बड़ा समंदर जैसा पानी है, मैं कैसे जाऊंगा अंदर, और तुम तो पानी में हो, तुम तो उसको ला सकती हो ना। अगर ढूंढ कर ला दोगी तो मैं मेले में जाऊंगा। आगे बच्चों, तू आती जाती रहती है, ये सारा घर तेरा है, यहाँ वहाँ कुछ देख जरा, तू कहाँ रुपया मेरा है। तू आती जाती रहती है, ये सारा घर तेरा है, यहाँ वहाँ कुछ देख जरा, तू कहाँ रुपया मेरा। कितना गाइमिंग है ना बच्चों। आगे देखिए, अगर नहीं तू मानेगी तो फिर मैं जाल बनाऊंगा, जुम्मन चाचा जैसा झटपट पकड़ तुझे। ये थोड़ा सा डरा रहा है बच्चा, देखिए तो मछली को नहीं डराना चाहिए ना, ये मछली को कैसे डरा रहा है। अगर नहीं तू मानेगी तो फिर मैं जाल बनाऊंगा, जुम्मन चाचा जैसा झटपट पकड़ तुझे ले जाऊंगा। लेकिन कविता बहुत अच्छी है ना बच्चों, राइमिंग है ना कविता में। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं और एक लय के साथ फटाफट इसको हम लोग गाते हैं ना, और मैं कभी बीच में रुकूंगा नहीं ना, आप लोग भी नहीं रुकिएगा इसी तरह से। चलिए, गिरा रुपया गरे पानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा, कितनी अच्छी जल की रानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा, तू आती जाती रहती है, ये सारा घर तेरा है, यहाँ वहाँ कुछ देख जरा, तू कहाँ रुपया मेरा है। बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है ना, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे है। जो मेरा जो लिखा हुआ है ना उसको आप देखिए, इसको चलिए जो मेरी लिखी हुई है उस पे हम लोग फोकस करते हैं ना। चलिए, आइए, गिरा रुपया गरे पानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा, कितनी अच्छी जल की रानी, ओ मेरी मछली ढूंढ जरा, बड़ा समंदर इसके अंदर मैं कैसे जा पाऊंगा, अगर ढूंढ कर ला दोगी तो मैं मेले में जाऊंगा, तू आती जाती रहती है, ये सारा घर तेरा है, यहाँ वहाँ कुछ देख जरा, तू कहाँ रुपया मेरा है, अगर नहीं तू मानेगी तो फिर मैं जाल बनाऊंगा, जुम्मन चाचा जैसा झटपट पकड़ तुझे ले जाऊंगा। बच्चों ये कविता बहुत सुंदर है, बहुत राइमिंग है, बहुत लय वाली है, इसको आप लोग याद करिएगा बच्चों, है ना। और चलिए अब हम लोग थोड़ा किताब में देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं इसमें। तो इसमें बच्चों देखिए, जिसको पढ़ना आता है ना उसके लिए भी, और जो थोड़ा कम पढ़ना जानते हैं उसके लिए भी, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ना जानते ना उनके लिए भी, ठीक है, सबके लिए है ये। ऐसा नहीं कि जिसको पढ़ना आता है मैं उसी को पढ़ा रहा हूं, मैं सबको पढ़ा रहा हूं, है ना। तो चलिए हम लोग यहां बातचीत करेंगे, क्या करेंगे, बातचीत। देखिए यहां पे है, जिन्हें आप चाचा कहकर पुकारते हैं उनके नाम बताइए,
ओ बच्चों, आप अपने गांव में ना जिनको आप चाचा कह के पुकारते होंगे ना, बुलाते होंगे ना, उनका नाम बताइए तो। बच्चों मेरे यहाँ मेरे गांव में एक चाचा हैं, उनको हम लोग अलगू चाचा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलगू चाचा गांव में। अब उनका जो नाम है वही ना पुकारेंगे। बच्चों आपके गांव में क्या-क्या नाम है, आपस में आप लोग बात कीजिएगा। आगे बच्चों, यदि आप रुपए लेकर मेले में जाएंगे तो क्या क्या करेंगे? वाह कितना अच्छा सवाल। यदि आप रुपए लेकर मेले में जाएंगे तो क्या क्या करेंगे? क्या क्या करेंगे? मिठाई खाएंगे और झूले पे झूलेंगे और तो खिलौने खरीदेंगे। और बच्चों अपने स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ होती है ना, थोड़ा देख लीजिएगा, जो चीज़ नहीं होगा वो खरीद लीजिएगा, है ना। जैसे पेन नहीं होगा तो पेन भी मिलता होगा वहाँ पे, ले लीजिएगा। और कुछ अच्छे किस्म के पेन भी मिलते होंगे, डिजाइन वाले, ले लीजिएगा ना। चलिए आगे, मेले में आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है और क्यों? बच्चों आपके बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है झूला और मिठाई और खिलौने, ये सब मुझे अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छा लगता है ना, घर के सभी लोग हम लोग जाते हैं ना, बढ़िया से तैयार होके जाते हैं, तो वो भी तो अच्छा लगता है ना। भैया दीदी सब लोग साथ में रहते हैं, वो अच्छा लगता है। और हमारे पड़ोस के सब लोग भी रहते हैं, है ना। आगे, पानी में गिरा रुपया यदि लड़के को ना मिले तो क्या होगा? तब तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चों, बहुत गड़बड़ होगा, कैसे जाएंगे? लेकिन तब भी जाएंगे बच्चों, दूसरे तरीके से जाएंगे, है ना। तब और देखो बच्चों, अकेले तो नहीं जाएंगे ना मेला, ये तो कविता है याद करने के लिए। अकेले नहीं जाएंगे, कभी जाना भी नहीं अकेले मेला, है ना। माँ के साथ जाना, अपने पिताजी के साथ जाना, जिसको बाबा बोलते हैं उनके साथ जाना, चाचा के साथ जाना, सब लोग मिल के जाना। चलो आगे है क्या बच्चों, इन्हें आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं लिखिए। बच्चों यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, इन्हें आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं लिखिए। मछली, जल, घर। वाह मछली को क्या बोलते हैं? बच्चों अपनी अपनी भाषा में बताना है ना, अपनी अपनी भाषा में बताना है कि क्या बोलते हैं मछली को, जल को, घर को। बच्चों मैं तो देखो, मैं पश्चिमी सिंहभूम जिले में रहता हूँ बच्चों। हाँ आप में से कोई लातेहार जिले में रहते होंगे, कोई बोकारो में रहते होंगे, कोई चतरा में होंगे, कोई कोडरमा में होंगे, कोई रांची में होंगे, कोई सिमडेगा में होंगे, है ना, कोई पूर्वी सिंहभूम में होंगे, कोई सरायकेला में होंगे, बहुत जगह जगह होंगे ना। तो आप लोग के जगह में अलग अलग भाषाएं भी होगी ना। तो बच्चों मैं बता देता हूँ, देखो हमारे यहाँ तो हो भाषा में मछली को बोलते हैं हाकू, जल को बोलते हैं दा, घर को बोलते हैं ओवा, है ना। इसी तरह से बच्चों आप लोग अपनी अपनी भाषा में जो होता है ना वो लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा या बताइएगा। लिखना अभी नहीं भी जानते कोई बात नहीं बच्चों। आगे देखिए, जहां मछली नहीं रहती है उस पर घेरा लगाइए। कुआं में नहीं रहती है जी, नदी में रहती है जी, तालाब में तो रहती है, पेड़ में नहीं जी, पेड़ में नहीं, पेड़ में क्या मछली रहेगी, वहां तो बंदर रहता है। समंदर में? हाँ समंदर में रहती है। आगे देखिए बच्चों, जो पानी में रहता है उस पर घेरा लगाइए। तो पानी में मछली रहती है, बकरी नहीं रहती है जी, गाय भी नहीं रहती है, मगरमच्छ तो रहता है जी, और मेंढक भी रहता है ना। बच्चों अब देखिए करना है मिलान। अरे वाह, मेरा मेरा का मिलान हो गया किसके साथ? तेरा, मेरा तेरा, है ना, मेरे तो मिलाया हुआ है। पानी के साथ देखो मिला दिया रानी, जाल के साथ क्या होगा बच्चों? जाल के साथ हो गया बाल, आती के साथ जाती, बोलो के साथ खोलो, जोड़ के साथ तोड़। अरे वाह कितना मजा आ गया ना बच्चों। तो चलिए इस कविता को आप लोग इसी तरह से याद करते रहिए और
फिर मिलते हैं आप लोगों से, है ना, फिर आप लोगों से मिलते हैं और आप लोगों को सुनाते रहेंगे इसी तरह से कविता। इसमें बहुत कुछ और भी है बच्चों, है ना, तो हम लोग देखते हैं और मिलते हैं फिर अगली कविता या कहानी के साथ। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अगली कोई कविता या कहानी के साथ। धन्यवाद बच्चों।